नमस्ते भाई, हमारी तूफानी एसएससी ने मध्य रात्रि रात को 1 बजे एसएससी सीएचएसएल 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हां, एसएससी सीएचएसएल 2024 जो 10+2 लेवल पे होता है उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इस वीडियो में इस एग्जाम से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दूंगा। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं एसएससी की नई वेबसाइट पर ssc.gov.in। इसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन पासवर्ड आप अपना ध्यान रखिएगा, नई वेबसाइट पर ही आप सीएचएसएल के फॉर्म को भर पाएंगे। तो 8 अप्रैल से 7 मई 2024 तक जो है, यानी कि पूरे एक महीने के लिए सीएचएसएल के फॉर्म ओपन है, ठीक है भाई। इसका 2 टियर में पेपर होना है। टियर 1 की जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम की, वो जून जुलाई में करवाई जाएगी 2024 में, ठीक है बच्चे। टियर 2 जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि अब टियर 1 तो क्वालिफाई है, सिलेक्शन तो टियर 2 के बेसिस पे होता है, उसकी कोई डेट अभी नहीं बताई गई है, टू बी नोटिफाइड लेटर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सीएचएसएल के टियर 1 और टियर 2 के एग्जाम के बीच में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। हार्डली 2-2.5 महीने का समय मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। यानी कि कोई बच्चा ये मन में वहम पाल के बैठा है कि पहले मैं टियर 1 का पढ़ लूंगा, बाद में टाइम मिलेगा तो टियर 2 का पढ़ूंगा, मैं अपनी टाइपिंग भी और ये स्किल टेस्ट की तैयारी कर लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। टियर 1 और टियर 2 की जो बच्चा तैयारी एक साथ लेके चलेगा, उसी का फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। टोटल इस बार 3712 वैकेंसी इसमें आई है, 3712, जो पिछले सीएचएसएल 2023 की तुलना में लगभग दुगनी वैकेंसी इसमें आई है, ठीक है। चलिए अब इस नोटिफिकेशन को हम पूरा पढ़ते हैं। जनरली मेरे दोस्तों, इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA और डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 टाइप का, ग्रेड ए और नॉर्मल डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन पोस्ट के लिए आपका जो है सिलेक्शन होगा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में। आपको ssc.gov.in वेबसाइट पे जाना है मेरे दोस्तों, और वहां पे आपको जो है इस फॉर्म को फिल करना है। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। टोटल 3712 वैकेंसी इसमें है, कोई भी इसको भर सकता है जो इंडियन सिटीजन है और जिसने 12th पास की हुई है। मतलब इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है किसी भी जो है बोर्ड से, चाहे वो किसी भी मीडियम से आप हो, चाहे आपके 12th में कितने भी परसेंटेज क्यों ना हो। लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीटेक वाले, बीएससी, एमएससी वाले भी इस फॉर्म को भरते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है, ठीक है बच्चों। देखिए, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और बाकी कैटेगरी को भी रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, उनकी अपर लिमिट में। तो मेरे दोस्तों, यहां पर इस टेबल में सभी अलग अलग कैटेगरी की एज लिमिट बता रखी है। अच्छा, आगे चलेंगे दोस्तों। ₹100 की आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी, जो लड़कियों के लिए फ्री रहेगा, एससी एसटी के लिए फ्री रहेगा। एसएससी की जॉब सबसे अच्छी है, लेकिन एसएससी का फॉर्म सबसे सस्ता होता है। इवन आप स्टेट एग्जाम के फॉर्म भी भरोगे तो उसकी 400-500 फी लगती है, किसी किसी एग्जाम की तो 2000 भी फी होती है गवर्नमेंट फॉर्म की। लेकिन एसएससी का बहुत बढ़िया काम है भाई, मात्र ₹100 फीस लेता है, जिससे हर कोई बच्चा आराम से भर पाता है। देखिए, अगर आप फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी कर देते हैं, चाहे अपने नाम भरने में, अपने पिताजी का नाम डालने में मेरे दोस्त, ठीक है ना, या फिर फोटो अपलोड करने में अगर कोई गड़बड़ी कर दी है, तो फॉर्म को करेक्ट करने की एक विंडो भी खुलेगी भाई। आपके फॉर्म जो है वो 7 मई तक भर जाएंगे, फिर 10 मई और 11 मई 2 दिन के लिए आपको एक विंडो अवेलेबल करवाई जाएगी, जिसमें आप अपने फॉर्म में हुई गड़बड़ी को सुधार सकते हैं, ठीक है ना। ये एसएससी ने नई और अच्छी चीज शुरू करी है जी। पॉइंट नंबर 12 में जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे अलग अलग रीजन में, वो सभी एग्जाम सेंटर्स यहां पे पहले से ही बता दिए गए। आपका पेपर ऑनलाइन होना है, पेपर ऑफलाइन नहीं होना है। पेपर 2 फेज में करवाया जाएगा, पहले टियर 1 और टियर 2। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट में ये पेपर जो है लिया जाएगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। आप टियर 1 क्वालिफाई करने के बाद ही टियर 2 में अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी सवाल में, क्योंकि आपका मल्टीपल चॉइस पेपर आएगा, अगर किसी सवाल में गड़बड़ लगती है या उसकी टाइपिंग में एरर है या उसकी आंसर की में एरर है, तो आप ₹100 देके उसको चैलेंज कर सकते हो, ठीक है।
जी अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ टीयर वन एग्जामिनेशन। चारों सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे, इंग्लिश, आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स और सबसे आखिर में जनरल अवेयरनेस। हर सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि हर सब्जेक्ट 50-50-50-50 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल पेपर 200 नंबर का होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस होंगे और ये 100 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में करने हैं। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। ये पेपर क्वालिफाइंग है तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें अच्छा स्कोर करना ये बताता है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, एक सवाल सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत करने पर आपका आधा नंबर 0.5 मार्क्स उड़ा दिया जाएगा। ठीक है भाई, 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। कट ऑफ बहुत हाई जाती है आज के जमाने में, अंधाधुंध आंख बंद करके तुक्का मत मारो। 200 नंबर का पेपर है तो 200 में से 150, 155, 160 कट ऑफ पहुंच रही है, यानी कि ये समझिएगा कि मोर देन 70% मिनिमम कट ऑफ आज टीयर वन की जा रही है, जो एक जमाने में 50% से भी कम जाती थी, क्योंकि बच्चों ने पढ़ना ज्यादा शुरू कर दिया, कंटेंट सभी के पास अवेलेबल है, हर बच्चा तैयारी कर पा रहा है और एग्जाम का लेवल भी उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। उसके बाद असली खेल जो है वो टीयर सेकंड के पेपर में। टीयर सेकंड 2 सेक्शन में करवाया जाएगा, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन, इसमें 2 सेशन होंगे, सॉरी, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। अब सेशन फर्स्ट में मेरे दोस्तों जो हमारा सेक्शन फर्स्ट होगा उसमें 2 मॉड्यूल हैं, है ना, काफी कंफ्यूजन है। टीयर सेकंड में 2 सेशन होंगे, सेशन फर्स्ट सेशन सेकंड। अब जो सेक्शन फर्स्ट होगा मेरे दोस्तों उसमें 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड। मॉड्यूल फर्स्ट में आपका मैथमेटिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन और मॉड्यूल सेकंड में मेरे दोस्तों रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन। तो टोटल मेरे दोस्तों 60 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 60 क्वेश्चन आपके 180 नंबर के होंगे और मेरे दोस्तों 1 आवर आपको दिया जाएगा इन 60 क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट होगा जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटा आपको दिया जाएगा मैथ रीजनिंग। आगे चलते हैं, फिर जो हमारा सेक्शन सेकंड होगा, सेशन फर्स्ट का जो सेक्शन सेकंड होगा उस सेक्शन सेकंड में भी मेरे दोस्तों 2 मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल फर्स्ट में आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी, लेकिन इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है, इंग्लिश के 40 सवाल आएंगे और मॉड्यूल सेकंड में जनरल अवेयरनेस होगा जिसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें भी 40 और 20 टोटल 60 सवाल आएंगे। हर एक सवाल चूंकि मेंस का पेपर है तो 3-3 नंबर का होगा, तो 60 क्वेश्चन आपके 180 नंबर के होंगे। इसके लिए भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन फर्स्ट का 1 घंटा 60 सवाल मैथ रीजनिंग, सेक्शन सेकंड का 1 घंटा 60 सवाल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। उसके बाद हम आ जाते हैं मेरे दोस्त यहां पर सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो पिछले साल मतलब 2 साल पहले ही एसएससी में पूछा जाना शुरू हुआ है, सीएचएसएल में भी और सीजीएल में भी। इसके 15 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 45 नंबर का आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा। 15 मिनट ही आपको दिए जाएंगे कंप्यूटर वाला सेक्शन जो है अटेंड करने के लिए। एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली दूसरा सेक्शन खुल जाएगा। मजे की बात यह है कि कंप्यूटर नॉलेज जो मॉड्यूल है इसके फाइनल एग्जाम्स आपकी कट ऑफ में आपके सिलेक्शन में नहीं ऐड होंगे, ये केवल आपको क्वालिफाइंग करना है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि सवाल बहुत आसान हुए और कभी कभी सवाल बहुत मुश्किल भी आए हैं मेरे दोस्तों। तो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल पे बहुत ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, बस इतना पढ़ लीजिए, काम चलाओ प्रीवियसर के सवाल कि आप क्वालिफाई कर जाएं कि इसके फाइनल मार्क्स एड नहीं होने हैं। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल में यानी कि आपका सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड के बेसिस पे ही कट ऑफ लगनी है। अब इसी सेक्शन थर्ड में मेरे दोस्तों आपका स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है उसके लिए करवाया जाएगा। 15 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा स्किल टेस्ट में। फिर हम आगे बात करते हैं सेशन सेकंड। सेशन सेकंड में मेरे दोस्तों क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग आपको पता है सीएचएसएल में अच्छी खासी पूछी जाती है। 15 मिनट का आपको समय मिलेगा टाइपिंग के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपका जो है यानी कि जो कंप्लीट पेपर है वो 2.25 घंटे का होगा सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट। तो यानी कि पूरा टीयर सेकंड आपका 2.5 घंटे का एग्जाम होगा जो आपको एक बार में 1 टेक में बैठ के करना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको सारी जानकारी बता दी। अब आगे चलते हैं।
फाइनल जो सिलेक्शन होगा आपका टीयर सेकंड के बेसिस पे ही होगा। देखो दोनों ही लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ठीक है ना। आपके पास पहले से ऑप्शन रहेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज करते हो। यहां पे सिलेबस बताया गया, सिलेबस सभी लोगों को कॉमन है, पता है, वही बार बार घिसा पिटा सिलेबस है। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड के सिलेबस में कोई भी फर्क नहीं है। सिलेबस एसएससी के लगभग हर एग्जाम का सेम है। जो आपकी सीएचएसएल का सिलेबस है वही सीजीएल का भी सिलेबस है, वही सीपीओ का भी है, वही आपका सिलेक्शन पोस्ट का भी है। बस थोड़ा बहुत लेवल का फर्क है, ठीक है ना। आज के हिसाब से सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम लेवल में कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप सीएचएसएल की तैयारी अच्छे से करोगे तो सीजीएल का जो पेपर होने वाला है अक्टूबर नवंबर के महीने में, वो पेपर भी आप खुले मन से दे पाओगे बिना किसी परेशानी के। इसमें मैथ्स में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही पूछा जाता है। एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, इसका वेटेज 50% है। यानी कि आप एडवांस मैथ को इग्नोर नहीं कर सकते। केवल अर्थमेटिक के दम पे सीएचएसएल का पेपर नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और तो इसमें कोई ऐसी कोई खास बात है नहीं जो आपको बताई जाए। सबसे नीचे अपन लोग आते हैं, इसको नीचे लेके आओ। जब आप एसएससी की नई वेबसाइट खोलेंगे ssc.gov.in, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे लॉगिन एंड रजिस्टर पे, ठीक है जी। फॉर कैंडिडेट्स में आप जाके लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो एक स्मॉल विंडो अपीयर होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। इस विंडो में आप क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पे, और फिर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज पे पहुंच जाओगे। यहां पे अगर देखो, जिस बच्चे ने पहले से ही लॉगिन आईडी पासवर्ड बना रखा है वो सीधा लॉगिन कर लेगा। नए स्टूडेंट मेरे दोस्तों रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। जब रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में पहले पर्सनल डिटेल है, फिर पासवर्ड क्रिएशन है, फिर एडिशनल डिटेल है, और फिर आप डिक्लेरेशन है। जब आप पर्सनल डिटेल में जाओगे, देखो ये आपको करना ही पड़ेगा एसएससी की नई वेबसाइट पे लॉगिन, क्योंकि आप जितने भी फॉर्म भरेंगे, चाहे एसएससी का कोई भी फॉर्म भरे, 10-12 पेपर एसएससी करवाता है, सभी फॉर्म्स जो है इसी वेबसाइट के थ्रू भरे जाएंगे, और आपके पास ओटीआर वन टाइम लॉगिन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पहला पर्सनल डिटेल भरेंगे जिसमें आपका नाम वगैरह होगा, आधार कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा मेरे दोस्तों, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना, रोल नंबर वगैरह, जो आपके ट्वेल्थ का, फिर आपने किस साल पास किया, ये सारी डिटेल जो है टेंथ की ट्वेल्थ की इसमें भरी जाएंगी, और आपकी ईमेल आईडी होगी। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये हो जाएगा पासवर्ड क्रिएशन पेज, रजिस्ट्रेशन डिटेल पेज आएगा। फिर हाँ, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, फिर उसको आप कंटिन्यू करके जो है सबसे पहले अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे मेरे दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाला, जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं वो पासवर्ड यहां पे आप डाल के, फिर कैप्चा डाल के वो पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद पर्सनल जो ये पासवर्ड क्रिएशन पेज हो गया, हाँ, फिर लॉग इन विद न्यू सेट पासवर्ड, इसमें आप न्यू पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, ये तो आप जैसे जैसे आप उस पर जाओगे आपको मिलता चला जाएगा। एडिशनल डिटेल में आप कैटेगरी, नेशनलिटी, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जो और एडिशनल डिटेल है, एड्रेस वगैरह, स्टेट, ये सारी चीज इसमें भरनी है। पिन कोड मेनली इसमें एड्रेस का है। और सबसे आखिर में मेरे दोस्तों डिक्लेरेशन, आपको इस पर क्लिक करके एग्री करके ही आप डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद आपका लॉग इन आईडी पासवर्ड बन जाएगा, तब जाके आप सीएचएसएल का फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। एक चेंज इन्होंने और किया है, बहुत मेजर चेंज, कि पहले जो हम फोटो स्कैन करके अपलोड करते थे, अब आपको फोटो लाइव वेबकैम से क्लिक करके एसएससी की वेबसाइट पे अपलोड करना है। एसएससी के लगभग सभी फॉर्म में ये चेंज हो चुका है, ठीक है दोस्त। और इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी बताने वाला नहीं है, बाकी सब कट कॉपी पेस्ट है। अच्छी बात यह है मेरे दोस्तों
कि वैकेंसी बहुत ठीक है, 3712 वैकेंसी है। इन्होंने सैंपल भी दिया है कि आपको चश्मा नहीं लगाना है, टोपी वगैरह नहीं लगानी है, फोटो के समय आपके कान और आपका फेस विजिबल होना चाहिए, ठीक है ना, ना छोटो बहुत फोटो बहुत बड़ा होना चाहिए, ना बहुत फोटो छोटा होना चाहिए। जो ये है बिना चश्मे का, बिना टोपी का, जिसमें आपके कान दिखें और आपका फेस भी क्लियर हो, ऐसा फोटो आपको वेबकैम से लेना है। हालांकि आपके पास 2 दिन का समय रहेगा फॉर्म में कोई एरर है उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है भाई। तो ये आपकी सीएचएसएल की कंप्लीट नोटिफिकेशन थी, ये हमने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दी है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, मैथ्स बाय गणप्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है। रात में ही नोटिफिकेशन आया था भाई ये 1 बजे के आसपास, तो हमने तुरंत उसको डलवा दिया। यहाँ पे मोटी मोटी डिटेल लिखी भी है, जो बच्चा डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना चाह रहा है या पहली बार फॉर्म भरेगा, पहली बार बच्चे को ज्यादा डर लगता है, तो इस पे क्लिक करके वो पूरी नोटिफिकेशन पढ़ सकता है। हालांकि कोई फायदा नहीं है 200-250 पेज की नोटिफिकेशन पढ़ने का, ठीक है। हमारे पास समय बहुत कम है और मैंने पहली बता दिया कि आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ लेके चलनी पड़ेगी, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो लाइव बैच से आप अपना सिलेबस खत्म करवाओ किसी भी सब्जेक्ट का, ये तो बहुत मुश्किल काम है और बहुत बड़ा खिलाड़ी बालक ही इसको कर सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिकॉर्डेड बैच से पढ़ाई करो, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो एक साथ मिल पाए। तो फास्ट फॉरवर्ड करके ना 1.5 घंटे की वीडियो को 30 मिनट में 35 मिनट में जल्दी जल्दी से आप अपना सिलेबस खत्म कर पाए और आपकी तैयारी हो पाए सही तरीके से। हालांकि थोड़ा सा आप लेट हो चुके हो, अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डालो तो फिर भी और बच्चों के साथ कोप अप किया जा सकता है। तो कैरमिल एप्लीकेशन पर हमारा रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल हो जाएगा 11 अप्रैल से, अर्थमेटिक के लिए सेपरेट, एडवांस के लिए सेपरेट। आप इन बैच में इनरोल करके रिकॉर्डेड बैच से पढ़ाई करें। इसका फायदा यह है कि लाइव बैच तो लंबा चलता है 7-8 महीने तक, और तब तक आपका पेपर हो लेगा, फिर उसका रिविजन में आपको समय जाएगा। अब इसमें रिकॉर्डेड बैच का फायदा यह है दोस्तों कि आप जो है एक बार में ही आपको सारी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे लाइव क्लासेस की, जो लेटेस्ट बैच कंप्लीट हुआ है, और एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये कंसेप्ट बैच है मेरे दोस्तों, इसमें कंसेप्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाई गई है। बैच आप एप्लीकेशन से पढ़ेंगे, लेकिन बैच को लेते समय आप एप्लीकेशन से ना लेके जो कैरविल की वेबसाइट है मेरे दोस्तों www.carvil.com, इस वेबसाइट से जाके आप बैच लें, क्योंकि यहां से आपको जो है थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा और आपको फीस कम पे करनी पड़ेगी। बहुत ही मिनिमम फीस में बैच अवेलेबल है। आप केवल मैथ ना लेके मैथ के अलावा इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस कंप्लीट प्रिपरेशन करें, मात्र 3-4 हजार रुपए में ही केवल आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे बैठे बेस्ट कंटेंट के साथ। बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बैच है, पिछले साल ही एसएससी सीएचएसएल 2023 में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इसी वीओडी बैच से पढ़ के हुआ है, जिनमें टॉपर भी शामिल है एसएससी सीएचएसएल 2023 का रैंक 1, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यह चीज मुझे बतानी थी, और भी एसएससी के एग्जाम के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, मैं आपको इसी चैनल पे बताता रहूंगा। आप सभी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारा एक यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट किंग है, जो बच्चे सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के बेस्ट सवाल सॉल्व करना चाहते हैं, भाई 1000, जैसे आपका पेपर कम से भी कम 30-40 शिफ्ट में होगा, पिछले बार भी इतनी शिफ्टों में हुआ था, तो 1000-1500 क्वेश्चन जब आपके बन जाएंगे तो उनको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है। तो सीएचएसएल के पिछले वर्षों के मैंने बेस्ट 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन निकाल निकाल के मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करवाया है, ठीक है। आप सभी बच्चे उस जो है मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब करके वहां से उन वीडियोस को जरूर देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिन बच्चों का अभी 12th पास हुआ है और वो अपने करियर को लेके परेशान हैं, तो आप एसएससी सीएचएसएल के इस एग्जाम के बारे में उन्हें जरूर बताएं। धन्यवाद भाई।